मूवी कैसी लगी फर्स्ट ऑफ ऑल? जो मजदूर लोगों को कैसे किस तरह से हालत उनकी ख़राब हुई थी, कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज फेस किए, वो सब दिखाया गया, अच्छी तरह से दिखाया। ओके सर, क्या मूवी से रिलेट कर पाए लॉकडाउन एंड देन मूवी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सब सोसाइटी में ही थे, उसी वर्ग में थे, तो सबको जो डर लगता था वो हमें भी डर लगता, तो हमने भी मास्क पहना, दवाइयाँ ली, सैनिटाइजर लिया, जैसे कलाकारों में इस लिया। ओके सर, हमारे जो मेन लीड एक्टर हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट था कि मूवी में अच्छा किए या फिर कुछ कमी रह गई आपके? नहीं बिल्कुल, पूरी जो जितने भी कलाकार हैं सब ने अच्छा किया, ज़्यादा करके राजकुमार राव और पंकज कपूर और भारती सॉरी भूमि पेडनेकर और बाकी विक्रम, जो भी बाकी के कलाकार सब ने अच्छा किया। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाय सर, सो सर मूवी कैसी लगी आपको? थोड़ा ही पूछना है। या सर, मूवी कैसी लगी सर? मूवी अच्छी लगी, एक अच्छी फिल्म है। एक लोगों ने क्या, लोगों पर क्या बीती थी लॉकडाउन के बीच में उस समय में, वो बताया, ठीक है। कलाकारों को एक्टिंग अच्छी लगी सबकी। मूवी से रिलेट कर पाए सर आप लॉकडाउन देन मूवी? हाँ रिलेट कर पाए, अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया उन्होंने। थैंक यू सर। आप क्वेश्चन पूछोगे? ओके ओके। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मूवी कैसी लगी? मतलब फिल्म मुझे इतनी पसंद नहीं आई, भीड़। अनुभव सिन्हा की मतलब पिछली जो दो तीन फिल्म्स थी उसमें उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया। जैसे थप्पड़ ले लो, एक दो सेकंड के स्लैप के लिए उन्होंने पूरी दो घंटे की फिल्म बना दी। अनेक भी मतलब काफ़ी स्लो थी, काफ़ी ड्रैग मोमेंट्स थे, मतलब जो पॉइंट दिखाना चाहते थे वो मतलब इतने अच्छे से मतलब नहीं बता पाए। और भीड़ में भी काफ़ी अच्छा स्कोप था अनुभव सिन्हा के पास, बिकॉज COVID-19 एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, तो मतलब काफ़ी सारे अननेसेसरी मोमेंट्स और वो जो कैरेक्टर के लिए जो आपको फील होना चाहिए, जो इस तरह की जो फिल्म रहती है जो स्ट्रगल वाली रहती है जिसमें लोगों का स्ट्रगलिंग साइड बताते हो, उसमें मतलब एक मेन चीज़ ये होती है कि यू शुड फील फॉर द कैरेक्टर। मतलब जैसे कैरेक्टर को स्ट्रगल कर रहा है तो आपको अंदर से मतलब कुछ ऐसे महसूस होना चाहिए, तो भीड़ में वो चीज़ लैक करती है। ओके सर, आप 5 स्टार में से कितने स्टार देना पसंद करेंगे? मैं 2 स्टार ही दूंगा इस। थैंक यू सर। फिल्म मैंने देखी भीड़। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी कोशिश करी है अनुभव सिन्हा जी की, मैं इतना कहना चाहूँगा, जहाँ पे उन्होंने कोशिश करी है कि वो हार्ड हिटिंग जो ड्रामा हमारे देश में हुआ था रियल लाइफ 2020 और 21 में कोरोना, उसको दिखाएं, राइट। यहाँ पे जो चीज़ें हमें दिखाई दी हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, यूट्यूब वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा, चैनल्स इतने सारे हैं उनमें कवरेज कहीं ना कहीं, तो उन्होंने बेसिकली रियल लाइफ में जो जो घटनाएं हुई थी उसी का समावेश बना के फिल्म बना दी है। फिल्म बना दी ठीक है, लेकिन फिल्म में बहुत से पोर्शन उन्होंने कवर नहीं किए हैं जो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट थे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम तो मुंबई में रहते हैं, हमने बॉलीवुड को देखा है ध्यान से कि उन्होंने कितना बेहतरीन किया था अगर कोरोना के टाइम पर। जैसे सोनू सूद जी ने इतने लोगों को पलायन करते हुए, जो मजदूर थे, जो इमिग्रेंट्स थे, उनको घर पहुंचाया था सही सलामत, उनका कोई जिक्र नहीं है। कोई लास्ट में वो दिखाते हैं कि इतने मरे, ये हुआ वो हुआ, तो उसमें ये क्यों नहीं दिखाया कि ये क्यों नहीं हुआ? गेटिंग इट? सलमान खान ले लीजिए, शाहरुख खान ले लीजिए, अक्षय कुमार ले लीजिए, सारे बड़े स्टार, अजय देवगन ले लीजिए, या सब ने मतलब अपनी तरफ से भरपूर हेल्प करी थी, मुंबई पुलिस की ले लीजिए, तो वो भी दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था। चलिए ये तो बॉलीवुड है, हमने काफ़ी एनजीओज़ के बारे में सुना था, उन्होंने फ्री कैंप्स लगाए हैं, सेटअप्स किए हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने अच्छा काम किया था। और आपको पता है भारतवर्ष में जो वैक्सीन है, राइट, वो इतनी कारगर हुई थी कि मतलब चारों तरफ बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया था कोरोना, और अभी भी टचवुड है और मैं नहीं चाहता कि वो वापस आए, तो ये है, ये हुआ, तो वो चीज़ें भी एस्पेक्ट डालनी चाहिए थी। दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस, बट मे बी हो सकता है, सॉरी टू इंटरप्ट, मे भी हो सकता है कि सेकंड पार्ट बन जाए तो उसमें वो दिखा दें, गेटिंग इट, कुछ भी हो सकता है। तो सर आप मूवी से थोड़ा सा भी रिलेट किए थे कि नहीं? मूवी से हाँ, मैं काफ़ी रिलेट किया था, बिकॉज आई ऑल्सो गॉट स्टक, मैं भी यहाँ पे मुंबई में मतलब रुक गया था, तो बट लेकिन ये है कि हाँ मेरे पास छत थी रहने के लिए, खाना था भगवान की कृपा से,
लेकिन एक जो मनोबल होता है, जो इंटरनल इमोशंस विद फैमिली आता है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो नहीं मिल पा रहा था. गेटिंग इट? वो रिलेटेबल था क्योंकि वो सारे आर्टिकल्स, वो सारे नॉलेज हमने पढ़ ले ली थी, क्योंकि वो लगातार न्यूज़ चैनल्स और वो सब हैंडल कर रहे थे. मैं 5 में से 2 स्टार देना चाहूँगा फिल्म को. फिल्म और अच्छी हो सकती थी, मैंने कहा. फिल्म में बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती थी, जो मैं मेरे को लगता है. और अनुभव सिन्हा जी से मेरे को एक बस सवाल करना है कि जैसे उन्होंने एक मतलब इस फिल्म के अंदर एक चीज़ दिखाई थी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले ही गलत कर रहे हैं दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन वालों के साथ. ऐसा नहीं है, कोरोना में सबने सबकी मदद करी थी, आज तभी इंडिया खड़ा हो पाया. वो एक सेगमेंट उन्होंने डाला है जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको. थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम.